नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे एस एस सी जी एल और सी एच एस एल 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था उसकी कंप्लीट डिटेल्स इसमें डिस्कस करेंगे। आज हमारे केस पर से जो रिजल्ट पे रोक लगा रखी थी एक साल से वो हटा दी गई है और जो कमिटी फॉर्म होने वाली थी वो भी कमिटी फॉर्म हो चुकी है, 9 मई 2019 है। तो इस दिन की पूरी कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि आज कोर्ट में हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, क्या डिटेल्स उसकी हैं, तो कंप्लीट डिटेल्स पता चलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको मिलती है हमारे चैनल पे सारी अपडेट। एसएससी केस के रिगार्डिंग कोई नया नोटिफिकेशन आता है, सीजीएल 2018 कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे मिलती है, तो सब्सक्राइब कीजिए, अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आप ये देखिए, तो आज कोर्ट में हुआ क्या। आज कोर्ट में मेनली दो चीज़ें हुई। एक तो कमिटी जो हमारी फॉर्म होने वाली थी वो कमिटी फॉर्म हो गई, इसमें 7 मेंबर्स होंगे और इसको 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि इसमें क्या एसएससी में या गवर्नमेंट जो बॉडीज़ में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं तो उसको फुल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है और उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसको 3 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसमें 7 मेंबर्स कमिटी है। और सेकंड चीज़ ये हुई कि इसमें स्टे जो हमारा लगा रखा था एक साल पहले से सीजीएल और सीएचएसएल 2017 पे, दोनों पे सीजीएल और सीएचएसएल 2017 दोनों जो थे अलग अलग, उन दोनों पे से स्टे हटा लिया गया है। मतलब एसएससी चाहे तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहा वो भी मैं बता देता हूँ। तो जो कमिटी फॉर्म हुई है उसमें 7 मेंबर्स हैं और इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है 3 महीने के अंदर, इसको रिपोर्ट सबमिट करनी है कि क्या कुछ रिफॉर्म्स करने हैं। और जो आज इसमें क्या कुछ इवेंट्स रहे ये हैं, जो उत्कर्ष आनंद जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट करते हैं लाइव मैटर्स को जो भी, तो मैंने उन्हीं के ट्वीट्स उठाए हैं उससे मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन द 2017 एसएससी केस, कोर्ट अपॉइंट ए कमिटी हेडेड बाय द फॉर्मर जज एस जी एस सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं जी एस सिंघवी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी फॉर्म हुई है और इनको सजेस्ट करने हैं कि ये कैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को जो इंस्टीट्यूट में होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के होते हैं उसको फुल प्रूफ कैसे बना सकते हैं। तो ये कमेटी किसके द्वारा हेड की जाएगी, जी एस सिंघवी के द्वारा, जो कि फॉर्मर जज हैं, पुराने जज हैं, रिटायर हो चुके हैं अभी। द 7 मेंबर कमिटी विल ऑल्सो इंक्लूड द इन्फोसिस के जो चीफ थे नंदल नींदकी और कंप्यूटर जो साइंटिस्ट हैं विजय, इन दोनों को भी इंक्लूड किया गया है 7 मेंबर्स में। एक तो जो जज हो गए और ये दो मेंबर्स ये हो गए सीईओ हैं, ये फॉर्मर इन्फोसिस के और ये कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तो इन तीन तो ऐसे ही हो गए और 4 नाम कौन कौन से हैं उस पर अभी कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें कंप्लीट डिटेल्स बाहर आएगी। आप देखें तो अभी मैं 2 बजे के आसपास इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है, वो शाम तक आता है। तो जैसे इसका शाम को ऑर्डर आएगा तो और डिटेल में आपको इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आज कोर्ट में हुआ क्या। तो इसमें यही हुआ और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो उन्होंने अपना जो रिजल्ट पे स्टे लगा रखा था 2018 में, उन्होंने लगाया था 31 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था कि आप सीजीएल 2017 और सीएचएसएल 2017 दोनों पे स्टे लगाया जाता है कि एसएससी उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो आज उस स्टे को हटा दिया गया है, अब एसएससी चाहे तो उस एग्ज़ाम को कंटिन्यू मतलब रख सकती है, उसके रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है और जो नेक्स्ट स्टेज उसकी जो होनी थी टायर 3 उसके लिए एग्ज़ाम्स एडमिट कार्ड प्रोसेस चालू कर सकती है। और जो सीएचएसएल था उसके लिए जो टाइपिंग और उसकी जो सेकंड वाला हो चुका था उसका, तो अब टाइपिंग के लिए बच्चों को बुला सकती है। तो आप देखें तो एसएससी इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही डिक्लेयर करने वाली है, इसमें ज़्यादा अब टाइम लगेगा नहीं। हाँ, तो यही इसमें से आज अपडेट है मेनली कि एक कमिटी फॉर्म हो गई और एक स्टे था जो हट चुका है। तो आप देखें तो ये जी न्यूज़ ने भी इसमें बताया है कि वो स्टे हट चुका है और बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि एसएससी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है एसएससी को कि आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप देखें तो एक क्वेश्चन बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सीजीएल 2018 पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसका इम्पैक्ट सीजीएल 2018 पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये 4 जून से ही होगा। आप जैसे देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं वहाँ से उनकी मतलब स्टेटस रिपोर्ट शो करने लग गया है स्टूडेंट्स का कि आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सीजीएल अपने 17-2000 अपने प्रोसेस में चलता रहेगा। आप देखें तो उसका कोई पेपर कैंसिल नहीं किया गया है, सिर्फ उसको स्टे हटाया गया है। मतलब जो अब वो टायर 2 का टायर 3 का जो भी प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकता है जैसे उसको शेड्यूल किया गया था। तो अब उसके इसके सीजीएल के बाद में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, हो सकता है उसके तुरंत बाद ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाए क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी उनको बहुत टाइम हो गया, 2017 का है 2019 आ गया। और आप देखें तो सीजीएल 2018 में इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो आप सीजीएल वाले बच्चे सोचे कि उसकी वजह से ये डिले हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, आप तैयारी करते रहिए, 4 जून से ही आपके पेपर्स हैं। और आप देखें तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी, इसमें ज़्यादा आप डिले होगा नहीं जैसे सोचते हैं कि रिजल्ट 3-4 महीने और खिंच जाएगा, आप ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप देखें तो 1 वीक और 2 वीक्स में आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं सीजीएल 2017 का और सीएचएसएल 2017 का।
तो इस वीडियो में इतना ही, और जो भी लाइव अपडेट होती है जैसे कोई ऑर्डर्स उसके आएंगे तो मैं सबसे पहले पोस्ट करूंगा आपको फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप फेसबुक पे पेज पे पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके पास कोई मतलब कुछ डाउट हैं, कुछ और कुछ चीज़ें पूछनी है तो मैं वैसे शाम वाले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस चीज़ पर डिटेल्स चाहिए, तो मैं उसको भी उसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।